नारा दिया था कि गैया भैंसिया चरते जाए, मुनिया बिटिया पढ़ते जाए, ताकि लोगों में शैक्षणिक माहौल बने और लोग साक्षर बन सके। आज़ाद हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार जहां एक डिपार्टमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकाली ही नहीं, बल्कि परीक्षा फल प्रकाशन के बाद नियुक्ति पत्र तक बांट दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियाद उन्होंने रखी है, उसी बुनियाद को आगे बढ़ाने में निरंतर हर सरकारें अपना सहयोग दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। अभी जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। सबसे पहले सर, आपके कार्यालय में मौलाना अबुल कलाम का जयंती मनाया गया, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, उनके बारे में आप पहले बता दीजिए। देश के प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर अब्दुल कलाम जी की जयंती है, तो इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियाद उन्होंने रखी है, उसी बुनियाद को आगे बढ़ाने में निरंतर हर सरकारें अपना सहयोग दे रही है। ये बात अलग है कि आज जो वर्तमान देश की हुकूमत है, शिक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है। शिक्षा जब व्यापार बन जाएगा तो आम लोगों की पकड़ से शिक्षा दूर चल जाएगी। शासन का कर्तव्य है कि जो वंचित है, उपेक्षित है, लांछित है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए, यह सरकार के कार्यक्रमों में पूरी तौर पे लागू होनी चाहिए। बिहार की सरकार शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर बहाली निकाली है, नियुक्ति पत्र बांटी गई। आज़ाद हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार जहां एक डिपार्टमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकाली ही नहीं, बल्कि परीक्षा फल प्रकाशन के बाद नियुक्ति पत्र तक बांट दिए गए। दवाई पढ़ाई करवाई, सुनवाई, सिंचाई, बुआई और कटाई करवाई का वचन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार की जनता को दिया था और अपने प्रणों पर, अपने वादों पर कायम रहते हुए उसको इम्प्लीमेंट लगातार करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो आज अब्दुल कलाम जी को हम लोग याद करते हैं कि ताकि शिक्षा हर घर में पहुँचे, हर उन लोग तक पहुँचे। कई लोगों ने उपहास की चरवाहा विद्यालय का, उसका कंसेप्ट था जो गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले गरीबी लाचारी के कारण नहीं पढ़ रहे थे, उनको भी पढ़ने का मौका देने के लिए, साक्षर बनाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक नारा दिया था कि गैया भैंसिया चरते जाए, मुनिया बिटिया पढ़ते जाए, ताकि लोगों में शैक्षणिक माहौल बने और लोग साक्षर बन सके। लेकिन जो मानसिकता के लोग थे, अभिजात मानसिकता के लोग थे, उन लोगों ने इसे नकारने की पुरजोर कोशिश की। आज देश एक जिस जगह खड़ी है, माफ़ करिएगा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कहना स्वाभाविक तौर पर सही प्रतीत होता है, इतिहास के पन्नों में कैद है कि एक गुरु थे जिन्होंने एक लब का अंगूठा लिया था। आज देश भर के युवाओं का अंगूठा देश की हुकूमत दान मांग रही है ताकि लोग ना पढ़ सकें, वो परिस्थितियाँ उत्पन्न होते जा रही है। जब से नई शिक्षा नीति आई देश के अंदर में, पूरी तरह से शिक्षा को कमज़ोर करने की, शिक्षा को बाजारीकरण करने की इसमें प्रावधान निहित किए गए हैं, जो देश के गरीब के हित, किसान के हित में नहीं है, उनके बाल बच्चे के हित में नहीं है। तो हम अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं, उनको नमन भी करते हैं। सर, आज जो विषय है केंद्रीय जांच एजेंसी भारत की जो एजेंसी है ईडी, आज जो है लैंड फॉर जॉब मामले में अमित कत्यायल को जो अपने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है, तो उनका जो है जोड़ा जा रहा है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नाम जोड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है ये सही है? देखिए, लैंड फॉर जॉब
जो स्कैम का रूप दिया गया वो अपने आप में फर्जी है। आज तक किसी ने, रेलवे ने माना ही नहीं कि मेरे यहाँ कोई घोटाला हुआ है। आज रेलवे में घोटाला हो रहा है। 90,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले रेलवे, जिसमें लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, 55,000 करोड़ का निवेश हुआ बिहार के अंदर में, कई फैक्ट्रियां लगी, यहाँ रेल का क्या हाल है? लैंड फॉर जॉब क्या होता है? ये अपने मन से गढ़ करके इसको स्कैम बनाने की कोशिश की गई, तंग और तबाह करने के लिए। और देश की एजेंसियां जिस तरह से आज काम कर रही है, एक सवाल के घेरे में है। सत्ता के इशारे पर काम करने वाली एजेंसियां अगर इसी तरह आगे बढ़ते गए तो उसकी स्वायत्तता पर एक सवाल खड़े हो जाएंगे। अब जिसको उन्होंने हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए लिया है, उसका जवाब तो वो स्वयं देंगे। हमारे पार्टी का तो कोई नेता है नहीं। ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, जो कि राजद के मुख्य प्रवक्ता थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने किया है, उनसे जो है कोई राजद का कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा पटना, धन्यवाद।